बच्चों ये डेनी आपकी तैयार है। इसमें डार्क ब्लैक और ग्रीन का शेड देना है, लेकिन सबसे लास्ट में नहीं है। उससे पहले मैं आप लोगों को पत्ती का भी कलर क्लियर कर दूं। पहले आप लोग पत्ती का कलर देख लीजिए। सबसे पहले पत्ती पे हम लोग येलो में वाइट मिला करके एक लाइट बेस डाल देंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसके ऊपर आप डालेंगे येलो बेस और इसमें डालेंगे येलो एंड वाइट मिक्स करके। बच्चों अब येलो का बेस डालने के बाद यहाँ नोक से लाइट ग्रीन कलर यानी पैरेट ग्रीन कलर को इस तरीके से ऊपर से नीचे तक ब्रश से लेकर आएंगे। दोबारा उसके आगे यही प्रोसेस करते रहेंगे। ऐसे ही करते बच्चों हम लोग इस पत्ती को पूरा फिल कर देंगे पैरेट ग्रीन कलर से। अब बच्चों ये ग्रीन कलर का पैरेट ग्रीन बेस डालने के बाद आपका जो पत्तियों का लुक था वो ऐसा आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो डार्क कलर है पार्टीशन आपने देखा होगा पत्तियों में, यहाँ से पार्टीशन था तो यहाँ पे हम सबसे पहले पार्टीशन ले लेंगे और इस ग्रीन कलर को एक इक्वल पत्ती मानते हुए यहाँ से ऐसे लगाएंगे और ऐसे ऊपर तक इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद बच्चों फ्लैट ब्रश से इस कलर को पूरी तरह से शेड की तरह खींच लेंगे इस तरीके से। बेस डालने के बाद बच्चों ग्रीन कलर का देखिए पत्तियों का लुक आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग इसमें नस बनाना शुरू करेंगे। आप अपने ब्रश का पीछे का पार्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और नोक की चीज हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरी पत्तियों में नस बना लेंगे। स्टूडेंट बेस डालने के बाद पूरी पत्तियों का जो फिनिशिंग है कलर को कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। अब इसके बाद हम लोग इन पत्तियों पे किनारे किनारे नोक बनाते हुए फिनिशिंग देते हुए इनको ब्लैक और ग्रीन के साथ शेड करेंगे और आउटलाइन क्लियर करेंगे। अभी मैंने ब्लैक और ग्रीन कलर को मिक्स किया है और ब्रश में बहुत हल्का सा लेकर के इसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको चपटा कर लेना है और नोक जैसा बनाना है। उसके बाद कॉर्नर से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। इस तरीके से नोक बनाते हुए ताकि आपका फ्लावर जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाए बेस पर और देखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगे। पत्तियों में बच्चों डार्क शेड के लिए एक एक कलर लगा करके, मतलब ब्रश एक ब्रश से हम अगर कलर लगाएंगे तो दूसरे ब्रश से उस कलर को हम लोग नीचे की तरफ शेड मार के खींचेंगे। देखिए जैसे मैं ये कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा सब जगह कलर लगाने के बाद एक साथ खींचने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कलर आपका सूख जाएगा और वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा जो हम लोग चाहते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, आप कलर लगाइए तो दूसरे ब्रश से उस शेड को ऊपर नीचे जैसे भी आपको खींचना है उसकी मिक्सिंग कर दीजिए। जैसे मैं कर रही हूँ आप देख रहे होंगे उस चीज को ही अप्लाई करिए। थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन इस तरीके से करने से आपके फ्लावर में फिनिशिंग और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसा कि बच्चों मैंने बताया था आप लोगों की टहनियों को भी डार्क कलर से शेड देंगे, तो अब ये पत्तियों के फाइनल फिनिशिंग के बाद हम लोग की डार्क कलर एक बार ब्रश से उठाएंगे और ऊपर तक पूरे फ्लावर्स के स्टार्टिंग पॉइंट तक ऐड कर देंगे। ऐसे इधर भी करेंगे। तो ऊपर तक ले आएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये टहनी ऊपर जा रही है और दोनों तरफ शेड डार्क का हो जा रहा है, तो इसलिए हमें ये करना होगा कि जो ये पत्तियों का टहनियों पे लगाया है उसको शेड को हम थोड़ा उसमें मिक्स कर देंगे ताकि हमें ऐसा लगे कि ये उसमें ऐड है। ठीक है, ये शेड मतलब अलग ना लगे हमको ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार से दूसरी टहनियों में भी ऐसे ही लाइनिंग इसमें भी बना लेंगे। बच्चों इस प्रकार आप लोग की ये पूरी पत्तियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब हम लोगों को फ्लावर्स की लाइनिंग को कम्प्लीट करना है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था इसको डार्क कलर से शेड देकर के हम लोग फिनिशिंग करेंगे, तो एक काम हम लोग को ये करना है कि
रेड कलर को थोड़ा सा और डार्क, जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही डार्क कर लेंगे, यानी रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसकी फिनिशिंग देंगे और इसकी आउटलाइनिंग करके इसको क्लियर कर देंगे। मैंने डार्क कलर बच्चों तैयार कर लिया है और उसको जो मैं लगा करके यहाँ पे आउटलाइन के लिए फिनिशिंग करूँगी तो आपको फर्क दिखाई देगा। ओके, तो नोक बना दिया और दूसरे ब्रश से हल्का हल्का सा शेड की मिक्सिंग कर देंगे ताकि ये पता ना चले कि अलग से किया गया है। ऐसे ही बच्चों पूरी पंखुड़ियों में हम लोगों को करना है। अब आइए बच्चों कली को देख लेते हैं। कली को बच्चों सबसे पहले डार्क ब्राउन और रेड मिला करके इस तरीके से शेडेड कर देंगे हम लोग। उसके बाद बच्चों रेड कलर को हल्का सा ब्राउन मिला करके थोड़ा सा यहाँ रेड का इफेक्ट डालेंगे। उसके बाद बच्चों उसी रेड कलर में थोड़ा सा व्हाइट कलर मिलाएंगे और थोड़ा लाइट शेड बनाएंगे और उसके ऊपर वाले पार्ट में हम लोग फिल कर देंगे। देखिए आपको ये तीन शेड में दिख रहा होगा, फिर लास्ट में हल्का सा व्हाइट का शेड ऊपर से मिक्सिंग करते हुए। ये बच्चों रेडी है। उसके बाद इस पे हम लोग डालेंगे ग्रीन कलर, जैसे मैंने भी बनाया था। तो डार्क ग्रीन कलर को पहले ऐसे हम लोग ब्राउन कर देंगे और इतने पोर्शन को इसके कवर कर लेंगे। फिर इसी में बच्चों हम लोग पैरेट ग्रीन फिल कर देंगे, जितना भी स्पेस खाली है उसमें हम लोग को पैरेट ग्रीन डाल देना है। पैरेट ग्रीन कलर बच्चों इस तरीके से हम लोग स्पॉट पे रख देंगे, जैसे आप अपनी बुक में देख रहे होंगे इसी तरीके से बना हुआ है। इसके बाद इस पैरेट ग्रीन पे बच्चों हम लोग थोड़ा सा लाइट सा येलो लेंगे और कहीं कहीं जैसे इसमें फिल कर देंगे। अब बच्चों आप लोग के ये